नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुआ जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नया अध्याय। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारा सीरीज चल रहा है NCERT के क्लास 6 का, तो NCERT के क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 3 हम पहले ही अपलोड कर दिए हैं इस यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 की, यानी कि इसका शीर्षक जो है वह है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले अध्याय में हमने कुछ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात की थी, तो आज हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं कि आखिर किताबों के माध्यम से या फिर कब्रों के माध्यम से हम इतिहास कैसे जानते हैं। अब किताबों का मतलब यहाँ पर ये नहीं हुआ कि इतिहास की किताबें, अब किताबों का मतलब ये हुआ कि उस तत्कालीन समय में, यानी कि जिसका इतिहास हम जानना चाहते हैं, जिस काल का इतिहास हम जानना चाहते हैं, उस दौरान जो किताबें लिखी गईं वह किताबें किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, चाहे वह कविताएं हो सकती हैं, चाहे वह श्लोक हो सकते हैं, या फिर कहानियां, नाटक, कुछ भी हो सकती हैं। तो उससे आखिर हम इतिहास को कैसे निकाल सकते हैं, कैसे इतिहास को हम जान सकते हैं, क्योंकि अब देखिए पर्टिकुलर रूप से भारत में कभी भी इतिहास नहीं लिखा गया है प्राचीन समय में। जो भी पुस्तकें या फिर जो भी स्रोत हमें मौजूद हैं वह तत्कालीन समय में कुछ कहानियां या फिर कविताएं या फिर श्लोक के माध्यम से ही हमें चीज़ें पता चलती हैं, और लेकिन वह कोई पर्टिकुलर हम कह नहीं सकते हैं कि वह इतिहास की किताब थी। तो उसमें से हमें इतिहास निचोड़ कर निकालना पड़ता है, इतिहासकारों का यही काम होता है। तो इसमें हम यही जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि कब्र, यानी कि जो बहुत सारे कब्र मौजूद हैं, अब चूँकि आपको पता है कि बहुत साल पहले 3000 साल, 4000 साल या फिर 2500 साल पहले क्या हुआ, उस समय के बहुत सारे स्रोत हमें नहीं मालूम है, यानी कि उस समय के क्या स्रोत थे उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो गई हैं। लेकिन कुछ कब्रें हो गई या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो धरती के नीचे पड़ी रहती हैं और हजारों साल तक वह मौजूद रहती हैं, तो इसके आधार पर हम कैसे इतिहास को जान सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मुख्य हेडिंग बताई गई है जो कि NCERT की ही हेडिंग है, तो NCERT के पुस्तक में जिस प्रकार की हेडिंग रहती है मैं वहाँ पे प्रस्तुत कर देता हूँ इस चीज़ को और फिर उसे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, आप लोग को मालूम होगा कि जो दुनिया की प्राचीनतम ग्रंथ हैं वह भारत में ही हमें मिली हैं, और जो हमारा ऋग्वेद है वह दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक माना जाता है। ऋग्वेद का जो इसका जो काल माना जाता है कि इसके बनने का या फिर इसके अवतरित होने का जो काल है वह लगभग 3000 साल पहले माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से देखिए चार पुस्तकें हमें मिलती हैं, जिसमें से ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, लेकिन जो ऋग्वेद है वह वेद सबसे पुराना है, वह वेदों में सबसे पुराना जो वेद है वह ऋग्वेद है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ऋग्वेद हमारा है ये अपने प्राचीनतम अवस्था में, यानी कि जब इसका निर्माण हुआ तो यह कोई लिखित अवस्था में मौजूद नहीं था, इसे हजारों साल बाद लिखा गया और लगभग 250 साल बाद तो अब इस पे पुस्तकें छपना शुरू हो गई हैं, लगभग 200-250 साल पहले, नहीं तो उसके पहले यह हस्तलिखित था। और उसके पहले भी जब हम यदि ऋग्वेद काल के बारे में बात करें तो उस समय हमें यह लिखित अवस्था में नहीं प्राप्त होता है। असल में यह एक परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ने वाली चीज़ें थीं जिसमें गुरु और शिष्य जुड़े हुए थे, यानी कि गुरु ऋग्वेद के विभिन्न श्लोकों को अपने छात्रों के समक्ष पढ़ते थे और जो छात्र हैं वह उसे सुनकर कंठस्थ कर देते हैं। इसी प्रकार से यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती थी। तो यह लिखित अवस्था में हमें, प्राचीनतम लिखित अवस्था में हमें प्राप्त नहीं है, बाद में इसे लिखा गया, बाद में इस पर पुस्तकें भी छपीं, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में यह बस बोल कर, यानी कि कंठस्थ करके, उच्चारण करके इसे हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ाते थे। उस समय जो ऋग्वेद काल में जो भाषा का प्रयोग किया गया था वह संस्कृत भाषा थी, जिसे मुख्य रूप से हम प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। ये जो संस्कृत थी वह कुछ आज जो हम अपनी कक्षाओं में पढ़ते हैं, आज के समय में जो हमें विद्यालयों में पढ़ाया जाता है संस्कृत, उससे कुछ अलग संस्कृत थी, वह उस प्रकार की संस्कृत नहीं थी जैसा कि आज हम पढ़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि संस्कृत के साथ ही भारत के बहुत सारी या फिर यूरोप की बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो एक ही भाषा परिवार की मानी जाती हैं,
जैसा कि यहाँ पे बताया भी गया है कि संस्कृत और अन्य भाषाओं को यदि हम देखें तो सबसे पहले यदि हम भारूपीय भाषा परिवार की बात करें, भारूपीय भाषा परिवार का मतलब ये हो गया कि जो भारत और यूरोप की भाषाओं से मिलजुल कर जो भाषाएं बनी हैं उसे हम एक परिवार का यानी कि भारूपीय भाषा परिवार कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे कि जो भारत का जैसे संस्कृत हो गया, असमिया हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी हो गया, ये सभी भाषाएं हैं। और यूरोप की बहुत सारी भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली या फिर स्पेनिश जो भाषाएं हैं यह भारूपीय भाषा परिवार की ही भाषाएँ कही जाती हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि प्राचीन समय में इनमें बहुत सारे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते थे जो एक ही उच्चारण देते थे या फिर आसपास के उच्चारण देते थे। अब जैसे कि आप मान लीजिए कि जैसे संस्कृत में मात्र बोला जाता है, मात्र माँ को, और हिंदी में उसे माँ बोला जाता है और अंग्रेजी में उसे मदर बोला जाता है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसका उच्चारण आपस में मैच कर रहा है, मात्र माँ या फिर मदर। तो इस आधार पर बहुत सारी ऐसी शब्दें मौजूद थीं जो आपस में मिली जुली थी और इसीलिए इसे हम भारूपीय भाषा का परिवार का भाषा मानते हैं। वहीं हम बात करें जो एक दूसरा प्रकार का भाषा बोला जाता है जो कि दक्षिण भारत में मुख्य रूप से बोला जाता है, वह द्रविड़ भाषा परिवार का ये माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से हमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाएँ देखने को मिलती हैं। ये तो हो गया भाषा की बात, यह अलग विषय था। मुख्य रूप से हमें तो पढ़ना है किताबों के बारे में और कब्रों के बारे में। अब सबसे बड़ी बात यह कि प्रश्न उठता है कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि मैंने बताया कि ऋग्वेद भाई कोई पर्टिकुलर इतिहास की किताब नहीं थी जिस पे ये लिखा गया था कि आज इतनी तारीख को यह घटना घटित हुई, आज ये राजा बनाए गए या फिर यह घटना पृथ्वी में घटित हो रही, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। ऋग्वेद में मुख्य रूप से हम बहुत सारे वार्तालाप को देखते हैं, यानी कि यहाँ तक कि ऋषियों के मध्य और देवताओं के मध्य वार्तालाप को देखते हैं, या फिर हम बहुत सारे उसमें सूक्त देखते हैं। सूक्त का मतलब हो गया खास तरह से लिखा गया कोई श्लोक, समान रूप से आप श्लोक मान सकते हैं जो किसी देवता के लिए लिखा गया हो किसी खास तरीके से, उसे हम सूक्त कहते हैं। और लगभग ऋग्वेद में ही 1000 से अधिक सूक्तों की अभी तक प्राप्ति हो चुकी है हमें। और जैसा कि मैं बता रहा था कि यह कोई पर्टिकुलर इतिहास की किताब नहीं है, तो आखिर हम इतिहास को कैसे जानते हैं? देखिए, जैसा कि इतिहासकार का एक काम होता है कि वास्तविक इतिहास को आपके सामने प्रस्तुत करना। अब बहुत सारे स्रोत हमें मालूम नहीं होते हैं, हमें कई सारे कड़ियों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। हम पिछले अध्याय में इसके बारे में विस्तार रूप से चर्चा भी हमने किया था। तो उन्हीं कड़ियों को जोड़ने के लिए इतिहासकार जो हैं वह साहित्य की किताब हो गई या फिर विभिन्न प्रकार की किसी भी विषय पर लिखे गए जो किताब मौजूद होते हैं तत्कालीन समय के, उससे हम इतिहास निचोड़ कर किस प्रकार से निकालते हैं उसका एक उदाहरण अभी मैं प्रस्तुत करूंगा, जिसमें एक ऋषि मुनि है जो कि ऋग्वेद में एक सूक्त में यानी कि एक श्लोक में हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें एक ऋषि मुनि है और दो देवियों के समान पूजित नदियों के बीच जो संवाद हुआ है, विश्वामित्र और दो नदियों के बीच, उस संवाद के माध्यम से हम इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे मैं उसे पढ़ के सुनाता हूँ कि उस सूक्त में क्या लिखा हुआ है। वह हिंदी में, वो तो मतलब संस्कृत में था, यहाँ पे हिंदी में उसका उच्चारण किया गया है जो कि विश्वामित्र और नदियों के बारे में है। इसमें देखिए, विश्वामित्र बोलते हैं कि हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। अब इस लाइन को पढ़िए जिसमें विश्वामित्र किसी नदी यानी कि दो नदियों के बारे में बता रहे हैं। इसमें जो सबसे पहले लिखा हुआ है कि बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, अब यह जो लाइन है भी है कोई इतिहास, आप इसमें इतिहास नहीं देख सकते हैं, लेकिन इतिहास कैसे निकाला जाता है वो अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसमें जो शब्द दिया हुआ है कि बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ऋग्वेद काल में गायों का क्या महत्व था। मतलब ऋग्वेद में गायों का इतना अधिक महत्व था और इतना अधिक वह पवित्र मानी जाती थी पशु के रूप में, कि उसकी तुलना जो है वह नदियों से की गई है जो कि नदियां देवियों का स्वरूप है। यानी कि यहाँ पे देवियों की तुलना गायों से की जा रही है। इससे ये पता चलता है कि गाय ऋग्वेद काल में कितनी पवित्र रही होंगी।
अब जैसे कि तुलना करते ही हैं, जैसे मान लीजिए कोई गधा किस्म का आदमी है, तो हम यदि उसे गधा बुला रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि गधे को हम कहीं ना कहीं मूर्ख समझते हैं। किसी मूर्ख के लिए हम किस प्रकार का संबोधन करते हैं, शब्द का गधे शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे नदियों जो कि देवी के समान हैं, यहाँ पे गायों से उनकी तुलना की गई है। इसका मतलब ये है कि गाय उस समय बहुत पवित्र जानवर मानी जाती रही होगी ऋग्वैदिक काल में। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे और भी लिखा हुआ है कि दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ से नीचे आओ। घोड़ों की बात की गई है, फुर्तीले घोड़ों की। अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ऋग्वेद काल में घोड़ों का क्या महत्व था। अब घोड़ों के चाल का यहाँ पे तुलना जो है वह नदियों के बहते हुए वेग से किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि दूर किसी स्थान पे पहुँचने के लिए या फिर तेज गति के लिए शानदार घोड़ों का प्रयोग वहाँ पे किया जाता होगा, यानी कि उस समय घोड़ों का प्रयोग बखूबी होता था और घोड़ों को एज ए बहुत तेज साधन के रूप में माना जाता होगा। इसलिए यहाँ पे नदियों के चाल की जो तुलना है वह घोड़ों से की गई है। आगे यहाँ पे बताया गया है कि आगे हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे फिर नदियाँ बोलती हैं कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? यहाँ पे नदियाँ पूछ रही हैं कि क्यों प्रार्थना कर रहे हो। विश्वामित्र बोलते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ, कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धूरियों के ऊपर ना उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि विश्वामित्र ने यहाँ पे बताया है कि वह रथों और गाड़ियों से आए हैं और उस नदी को पार करना चाहते हैं। यहाँ पे एक और इतिहास पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में गाड़ियों का, जिसमें सामान्य रूप से हो सकता है कि बैल जैसे जानवरों का प्रयोग किया जाता हो, और रथों में जिसमें कि सामान्य रूप से घोड़ों का प्रयोग किया जाता हो, वह उसका प्रयोग वहाँ पे हो रहा था। यानी कि यहाँ पे गाड़ियों का भी प्रयोग के बारे में बताया गया है कि आप अपने जो वेग है उसे कम कर लीजिए और थोड़ा सा नीचे चले जाइए और नदियों का बहाव थोड़ा सा कम कर लीजिए ताकि हम इस पार से उस पार जा सकें अपने गाड़ियों को लेकर या फिर अपने रथों को लेकर। ये हमें क्या बताती है कि उस समय रथों और गाड़ियों का भी प्रयोग होता था। गाड़ी मतलब बैलगाड़ी से आप समझ सकते हैं, ये नहीं कि इसमें वास्प इंजन या फिर डीजल इंजन लगा हो, इस प्रकार की गाड़ियाँ नहीं। तो ये पता चल रहा है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई इतिहास का छात्र नहीं है या फिर इतिहास जानने वाला व्यक्ति नहीं है, जिसका संबंध इतिहास से नहीं है, वो इन सभी चीज़ों को पढ़ेगा तो कहेगा, अरे यार ये क्या चीज़ें हैं, अब ये कोई नदियों से कैसे बात कर सकता है या फिर कोई ऋषि नदियों से बात कर रहे हैं, नदियाँ ऋषि मुनि से बात कर रहे हैं। तो हमें यही निचोड़ निकालना है, हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि क्या चीज़ें हो रही हैं या फिर किससे किससे बातें हो रही हैं। हमें बस इस बात का ध्यान देना है कि उस वार्तालाप में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और जिन वस्तुओं का प्रयोग वहाँ पे किया जा रहा है, बस उन वस्तुओं पे ध्यान देनी है, तब हम जाके इतिहास ढूंढ पाएंगे। नहीं तो अब बहुत लोग कहेंगे, भाई ये तो लग रहा है कि नकली चीज़ें हैं, ये है, इससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं प्राचीन काल में, और केवल यहाँ ही नहीं बल्कि हर सभ्यता में जहाँ भी आप जाएंगे और जहाँ पे भी प्राचीनतम आप धर्म देखेंगे, तो धर्म ग्रंथों में ऐसी चीज़ें हैं जो आकाश और जैसे वायु देवता जो कि इंसानों से बात कर रहे हैं, होमर की जो लिखी हुई पुस्तक है उसे आप देख सकते हैं कि उसमें किस तरह की चीज़ें लिखी गई हैं। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन किससे बात कर रहा है किससे नहीं, हमें बस ये जानना है कि उस समय क्या प्रथा रही होगी या फिर किस प्रकार से चीज़ें चल रही होंगी या फिर किन वस्तुओं का प्रयोग लोग कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से हम या फिर इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं एक इतिहास के पुस्तक के रूप में। अब क्योंकि ऋग्वेद कोई इतिहास का किताब है नहीं, तो पर्टिकुलर रूप से उसे इतिहासकार नहीं पढ़ेंगे, सामान्य रूप से हम उनसे इतिहास को निचोड़ कर निकालने का ही प्रयास करते हैं। फिर आ गया कि मवेशी घोड़ों तथा रथों का भी बड़ा महत्व था उस समय। जैसा कि जो विश्वामित्र हैं जो नदियों से बात कर रहे हैं, उसमें इन सभी चीज़ों की उन्होंने बात की है, मवेशी हो गए, घोड़े हो गए, रथ हो गए, इन सब का बड़ा महत्व है। और साथ में वहाँ पे जितनी भी आप देखेंगे, जो भी यहाँ पे सूक्त मिलेंगे, जो भी श्लोक मिलेंगे जिसमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बातें लिखी गई हैं,
उसमें मवेशियों की प्राप्ति के लिए, घोड़ों की प्राप्ति के लिए, रथों की प्राप्ति या फिर मुख्य रूप से बालकों के यानी कि पुत्रों की प्राप्ति के लिए बहुत सारे श्लोक आप लोगों को प्राप्त होंगे। जैसे पता चलता है कि उस समाज में इन सभी चीज़ों का बहुत ही महत्व रहा होगा। मवेशी मुख्य रूप से दूध की प्राप्ति के लिए या फिर बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति के लिए मवेशी वहाँ पर पाले जाते रहेंगे, बहुत सारे काम करने के लिए पाले जाते होंगे। घोड़े तथा रथ का मुख्य रूप से प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए और युद्ध लड़ने के लिए किए जाते थे, और युद्ध मुख्य रूप से जो लड़े जाते थे वह सामान्य रूप से मवेशियों के लिए ही लड़े जाते थे। मवेशियों के लिए, बढ़िया किस्म के घोड़ों के लिए या फिर किसी अच्छे भूमि के लिए जहाँ पर उपजाऊ भूमि उन्हें प्राप्त हो सके, जहाँ पे मुख्य रूप से कोई ऐसी फसल जैसे कि जौ जैसी फसल बहुत जल्दी तैयार हो सके, इसलिए वहाँ पे युद्ध होते थे घोड़े रथों के माध्यम से। और मवेशियों, घोड़ों, रथों और पुत्रों का बड़ा महत्व था उस समय। चलिए बात करते हैं हम खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की, कि ये क्या चीज़ है। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा कि किताबों के माध्यम से हम इतिहास कैसे जानते थे, यहाँ पर किताबों का क्या महत्व था, अब हम बात करेंगे महापाषाणों की। महापाषाणों का मतलब यहाँ पे सामान्य रूप से हो गया कब्र कहा, जिसे आप कह सकते हैं या फिर कब्र कह सकते हैं। अब कब्रों को प्राचीन काल में लगभग 2500 साल पहले या फिर 3000 साल पहले महापाषाण कहे जाते थे, क्योंकि उन कब्रों का जो निर्माण हुआ था, जो भारत में बहुत सारे दक्कन के क्षेत्र में, दक्षिण भारत में या फिर उत्तर पूर्वी इलाके में या फिर कश्मीर के इलाके में मुख्य रूप से जो कब्रें प्राप्त हुई हैं उनके चारों तरफ या वहाँ पे पत्थर के स्रोत बड़े बड़े हमें मिले हैं, इसलिए हम उसे महापाषाण यानी कि पाषाण का मतलब आप समझते हैं कि पत्थर हो गया, तो उसी के नाम पे यह महापाषाण रखे गए हैं उसके नाम। यानी कि महापाषाण जब आप नाम सुनते हैं तो आप समझ जाइए कि यह किसी कब्र के बारे में बात हो रहा है। अब जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे स्रोत मिट जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि जो जानवरों के या फिर इंसानों के हड्डियां होती हैं जो कब्रगाहों में या फिर महापाषाणों में जिन्हें दफनाया गया होता है, उनके साथ रखी जाने वाली बहुत सारी वस्तुओं जो उसमें दफनाई जाती हैं, उन वस्तुओं का ज्ञान भी हमें इन महापाषाणों के माध्यम से ही होता है। तो एक खामोश प्रहरी का यहाँ पर नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि देखिए शांत पड़ी रहती हैं और इतिहास की रक्षा करती हैं। अगर मान लीजिए कि यह पाषाण जो हैं, महापाषाण जो पत्थरों को वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, जो कि ऊपरी तौर पे या फिर थोड़े बहुत खुदाई से हमें पत्थर दिखाई दे जाते हैं, इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कब्र मौजूद है और फिर हम उसकी खुदाई करके खुदाई के माध्यम से उसके बारे में और अधिक जान सकते हैं। तो यह एक प्रकार के प्रहरी के रूप में काम करते हैं, यानी कि इतिहास को यह संरक्षित किए हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे महापाषाणों की तुलना खामोश प्रहरी के रूप में किया गया है एनसीईआरटी के किताब में। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिली, वहाँ पे हड्डियाँ, कंकाल मिली और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें मिलती थीं, जो कि मुख्य रूप से इसमें देखिए लाल और काले रंग के कुछ मिट्टी के बर्तन मिलते थे, और जिसमें हो सकता है कि सामान्य रूप से उसमें कुछ चीज़ें मौजूद रही हों, कुछ चीज़ें, कुछ अनाज या फिर कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे रखी जाती रही हों, ये सभी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। लोगों की सामाजिक असमानताएं भी मौजूद थीं और इसका पता भी हमें महापाषाणों के माध्यम से ही चलता है, क्योंकि जो बहुत सारे हमें महापाषाण या फिर कब्र मिले हैं तो इंसानों के साथ रखी जाने वाली वस्तुओं के तुलना के आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय भी यानी कि ऋग्वैदिक काल में भी ऐसा माना जा सकता है कि सामाजिक असमानता मौजूद थी। कुछ लोग आर्थिक रूप से मजबूत थे, कुछ लोग उतने अधिक मजबूत नहीं थे, क्योंकि कब्रगाहों में जो सामान मिला है उसमें किसी कब्रगाह में कुछ एक दो घड़े या फिर इस तरह की चीज़ें, मिट्टी के बर्तन हमें मिले हैं, लेकिन बहुत सारे कब्र ऐसे भी हैं जिसके साथ हमें कुछ गहने या फिर सोने की कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ें बहुमूल्य धातुएं भी हमें प्राप्त हुई हैं। कई बार हमें महापाषाणों के साथ इंसानों के साथ बकरी या फिर घोड़े के हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि वह ऐसा मानते हों कि जीवन मौजूद है मरने के बाद भी, यानी कि वह जिस स्थान पर जा रहे हैं मरने के बाद उनके ज़रूरत की चीज़ों को वहाँ पे रख दी जाती थी, ताकि यदि वह वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जीवित रहें तो वह उन चीज़ों का उपभोग कर सकें।
घोड़ों की भी हड्डियां मिली हैं, जिससे हो सकता है कि ऐसा माना जाता रहा हो कि हो सकता है जो बहुत खास घोड़े रहते हों लोगों के, हो सकता है कि उन्हें मार के दफना दिया जाता हो साथ में ही, या फिर हो सकता है कि किसी दुर्घटना में, क्योंकि घोड़ों का प्रयोग करते थे लोग चलने के लिए किसी स्थान से दूसरे स्थान पर, या फिर युद्ध लड़ा करते थे, तो हो सकता है कि युद्धों के दौरान घोड़े और उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती हो साथ में ही, तो वह कब्र में दफना दिए जाते हों। तो इस तरह से हमें देखने को मिलेगा कि सामाजिक असमानता हमें कैसे पता चलती है किसी महापाषाण के माध्यम से, ये अभी हमने जाना। एक और ख़ास बात की क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थीं, तो देखिए वहाँ पे जो कब्रगाहें मिली या फिर जो कब्र मिले हैं उनके अलग अलग बनावट हैं, वो अलग अलग बनावट के हैं, लेकिन वहाँ पे आप लोगों को पत्थर मिलेगा ही, कहीं कहीं बस एक पत्थर आप लोगों को देखने को मिलेगा, कहीं कहीं बहुत सारे पत्थर किनारे किनारे देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें जो यहाँ पे कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए हैं, इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ कब्रगाह ऐसे भी मिले हैं जहाँ पे एक से अधिक हड्डियाँ मौजूद हैं, यानी कि कुछ जो कब्र वहाँ पे मिले हैं, जो महापाषाण मिले हैं, मान लीजिए यह एक महापाषाण खुदाई में मिला है जिसमें हमें बहुत सारी हड्डियाँ देखने को मिलती हैं, बहुत सारे कंकाल, एक से दो या दो से अधिक कंकाल हमें देखने को मिलता है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ कब्र उस समय ऐसे मौजूद थे जो खास परिवार के लिए ही होते थे, और कोई कभी भी मरे, मतलब असमय या फिर एक काल से दूसरे काल में कभी भी लोग मरते थे तो बाद में उन्हें लाकर ऐसे कब्रों में दफनाया जाता था, और ऐसे कब्रों में के पहचान के लिए वहाँ पे बहुत सारे पासाड अलग अलग स्टाइल से, बहुत अलग अलग तरीक़ों से उसमें लगाए गए थे, कुछ लंबे कुछ छोटे कुछ मोटे पत्थर चारों तरफ आप लोग को देखने को मिलेंगे, कुछ इस प्रकार का सजावट था और बीच में यहाँ पे कब्र रहता था। और ऐसा इसलिए भी है, अब ये भी प्रश्न उठ सकता है कि ये भी तो हो सकता है कि कुछ लोगों की एक साथ मृत्यु हो गई हो तो वहाँ पे दफना दिया गया हो, लेकिन जो कंकाल हमें मिले हैं वो इसलिए शक जाता है कि वो अलग अलग समय पर दफनाए गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें एक पोर्ट होल देखने को मिलता है, पोर्ट होल जैसे ये कब्र है ना, तो कब्र के ऊपर एक पत्थर लगा हुआ रहता था और पत्थर में बड़ा सा छेद होता था, पोर्ट होल होता था, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि मान लीजिए इस व्यक्ति की पहले मृत्यु हुई है तो इसे लाकर दफना दिया गया है, फिर इसके परिवार या फिर कोई खास व्यक्ति की यदि मृत्यु होती थी तो इसी पोर्ट होल के माध्यम से थोड़ा सा खुदाई करके साफ करके ज़मीन इस पोर्ट होल के माध्यम से ही दोबारा लाकर किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर दफनाया जाता था। तो जो पोर्ट होल है इससे हमें यही पता चलता है, जो बड़ा सा छेद हमें मिलता है इस महापाषाण से, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लोग अलग अलग समय पर यहाँ पे दफनाए गए होंगे जो किसी खास परिवार के रहे होंगे। फिर हम देखते हैं कि क्या बताता है हमें कंकालों के अध्ययन, यानी कि कंकाल के अध्ययन से हम क्या जान पाते हैं। तो अब बहुत सारी देखिए सामान के आधार पर, उसके आसपास जो सामान थे उसके आधार पर हमने इतिहास जानने का प्रयास किया, लेकिन कंकाल जो हमें मिलते हैं उससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती हैं, और बहुत सारी जानकारी ऐसे भी होती हैं जो अधूरी होती हैं, जिसके बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से कह पाना मुश्किल होता है। अब जैसे मान लीजिए किसी कब्र में कोई छोटा कंकाल है और कोई बड़ा कंकाल है, तो जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह किसी बच्चे का कंकाल है और यह किसी बड़े का कंकाल है, लेकिन बच्चों के कंकाल में कोई लड़के का कंकाल कौन सा है और लड़की का कंकाल कौन सा है इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अब बच्चों का कंकाल है छोटा है, हम जान सकते हैं कि चलिए भाई ये बच्चों का कंकाल रहा होगा, किसी बच्चे का कंकाल रहा होगा, लेकिन लड़के और लड़की में हम भेद नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसका पूरी तरह से कोई मतलब DNA टेस्ट या फिर कुछ वैज्ञानिक प्रक्रिया से हम ना जानना चाहें तब तक हमें पता नहीं चल पाएगा। वैसे पुरुषों के बारे में भी है कि कौन सा पुरुष का कंकाल है या फिर कोई कंकाल महिला का कंकाल है वो किस आधार पे हम जानेंगे, तो वहाँ पे देखिए जैसे कि बाल हो गए या फिर जो शारीरिक बनावट होते हैं ऊपरी जो मांस के बने होते हैं वो सब तो ख़त्म हो जाते हैं, तो किस आधार पे हम जान सकते हैं। जैसे कुछ लोग ये मान लेते हैं कि जिन कब्रों से गहने प्राप्त होते हैं ऐसा मान लिया जाता है कि वह किसी महिला का रहा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऋग्वैदिक काल में या फिर प्राचीन काल में आप देखेंगे कि ये जो प्रथा थी गहने पहनने वाले वह दोनों लोगों में थी, यानी कि पुरुष जहां गहने पहनते थे वहीं महिलाएं भी गहने पहनती थीं, तो गहनों के आधार पर स्पष्ट रूप से कुछ भी बता पाना मुश्किल है।
एक तरीका हो सकता है, वो तरीका यह है कि यदि हम इसके कटि प्रदेश को देखें, यानी कि हम कमर के नीचे के यदि हम हिस्से को देखें किसी कंकाल के, तो जो थोड़ा सा फैलाव में होते थे, यानी कि जो ज़्यादा चौड़े होते थे, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि वह किसी महिला का कंकाल रहा होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जैसे कि महिलाएं गर्भवती होती हैं और बच्चों को जन्म देती हैं, तो उनका जो कटि प्रदेश यानी कि कमर के नीचे का जो क्षेत्र होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, क्योंकि वह बच्चे जन्म देती हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वह किसी महिला की कंकाल रही होगी। तो इस आधार पर हम किताबों के माध्यम से या फिर किताबों या फिर कब्रों के माध्यम से हम जानते हैं कि आखिर इतिहास क्या था। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों यह चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इतिहास का यह चौथा चैप्टर जो कि एनसीईआरटी के क्लास 6 का चौथा चैप्टर था, यह आज समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम जल्द लेकर आने वाले हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ इसके संदर्भ में तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।